स्कूल का पानी पीने के नाल बच्चे बीमार हुए ने। दसिया जा रहा है कि 12 के करीब बच्चों को अस्पताल दे विच दाखिल करवाया, जिथे उन्होंने इलाज किया जा रहा। दस दिए कि 12 के करीब बच्चे ने जो कि इलाज के लिए अस्पताल दे विच भर्ती करवाए गए हैं, जिन्होंने पेट दर्द उल्टी की शिकायत दसी जा रही है। दस दिए कि नकोदर के एक निजी स्कूल का मामला दसिया जा रहा है, जिथे कि बच्चों के वालों जानकारी दिंदिया दसिया गया है कि उन्होंने स्कूल के वाटर कूलर के पानी पीता से, जिस तों बाद उन्होंने पेट दर्द से उल्टी की शिकायत होंदी है। उस तो बाद उन्होंने कहना है कि उन्होंने स्कूल स्टाफ के नाल जाके जदों वाटर कूलर चैक किया तो वाटर कूलर के बच्चों के वालों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वाटर कूलर के अंदर मरिया हुआ चूहा तो एक जिंदा छिपकली घूम रही थी। इसके नाल ही उन्होंने वालों दसिया जा रहा है कि जदों उन्होंने पेट दर्द से उल्टी की शिकायत ज्यादा वधी तो उन्होंने वालों हस्पताल दे विच पहुंच बनाई गई है। दसी कि बच्चों के मापिया ने बच्चों हस्पताल दाखिल करवाया। 12 के करीब बच्चे दसे जा रहे हैं जो कि एक निजी हस्पताल दाखिल करवाए गए ने। 12 के करीब बच्चे ने जिन्हों की इलाज डॉक्टर के वालों किया जा रहा है। दसी कि स्कूल प्रशासन भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने वालों दसिया गया है कि उन्होंने वालों इस मामले के जांच की जाएगी। उन्होंने कहना है कि जेकर स्कूल पक्षों कोई भी किसी मामले की अणगहली की गल है तो उन्होंने वालों इस मामले की जांच की जाएगी, तो बनती कार्रवाई इस मामले के जरूर उन्होंने वालों की जाएगी। दसी कि घटना नकोदर के कॉन्वेंट स्कूल की दसी जा रही है, जिथे कि एक स्कूल की यह घटना है। स्कूल के बच्चों के वालों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने स्कूल के वाटर कूलर के पानी पीता से, जिसके मरिया हुआ चूहा तो एक छिपकली से, जिसके कारण सेहत विगड़ी है तो उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया। तुम उस पूरा मामला की है, स्कूल के उपर बच्चों के वालों की इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मापियां के वालों की इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो स्कूल प्रशासन ने इस संबंधी की जानकारी दे रहे हैं। बच्चे काफी ज्यादा कई बच्चे उल्टियां करते पे थे, उन्होंने देखे ना मेनू भी हो तरह होने लग गया, उल्टियां मैं भी कर लग गया। फिर मतलब कहते ना फिर मैं उल्टी की थोड़ा थोड़ा ब्लड भी निकला। अच्छा, फिर कहते हैं जिन्होंने वाटर कूलर से ना एक छिपकली एक ना मरिया चूहा। अच्छा, एक छिपकली जिंदा घूमती भी जानते हैं। फिल्टर पानी पीता स्मेल ही आई, क्या सानू लगा फिर असं फिर पीता बोतल जो खुल गई बोतल भर के लाई उस बहुत ज्यादा स्मैल लाई फील हो चूहे मरण दिन का स्मैल आने भी कुछ ना कुछ हैगा। फिर अस प्रिंसीपल तो गए और ज्यादा हालत खराब हो गई स्मैल ना उल्टियां वगैरह आने लग गई। दो एक बार उल्टी करके फिर सिस्टर को गए ऑफिस गए उन्होंने कहा, उन्होंने फिर चैक कराया बच्चे चूहा मरिया हुआ छिपकली हों जिंदी घूमती पी फिल्टर के नॉर्मल टैप्स में नहीं। उस तो बाद फिर उन्होंने इधर फिर सारे बहुत ज्यादा उल्टियां आने लग गई, फिर सारे कई बच्चे रोन लग गए। फिर सानू इत्थे लेके आए उसको। केड़ा स्कूल है? कॉन्वेंट स्कूल, सेंट जोस कॉन्वेंट स्कूल। केड़ी जगह तो नकोदर? तुसी केड़ी जगह तो नकोदर? तो मैनू जी हुणे फोन गया सी कि बच्चियां ने गंदा पानी पी लिया ते ओहदे नाल इह बीमार होए आ। केड़े स्कूल दे आ? सेंट जोस कॉन्वेंट स्कूल। पहला भी कोई प्रॉब्लम आई इस तरह दी? पहला तो चलो पानी की तो नहीं आई, थोड़ा इन्हों जरा इन्हों एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चों प्रति जो बिहेवियर आ वो फ्रेंडली नहीं है। एक दिन ये बच्चे बाथरूम गए, इन्हों उ पेश कर लिया तो काफ़ी टाइम उत्थे रखे, इन्हों की बस भी ना कि मुड़ के इन्हों छड़न का भी कोई प्रबंध नहीं, इस करके बहुत लापरवाह आ इन्हों का प्रशासन जो है। जिदा हुण बच्चे बीमार हुए हैगे आ, कोई इन्हां दा आया इन्हां दा प्रिंसीपल वगैरह जां कोई होर स्टाफ दा मेंबर? सानूं फोन आया, मैं हुणे ही आया, मैं भी ऑन ड्यूटी सीगा। ओके, हांजी। केड़ी जगह तों तुसीं? मेरा पिंड चानी आ जी। ठीक। प्रॉब्लम सर होती तां जिद्दां कि बच्चे गए सी बाहर पानी पीण वास्ते, तां पानी दे टीके आए तो उस वेले ते इन्हां नूं कुछ लग्गिया नहीं, पानी भी मतलब ठीक सी, तां जद इन्हां नूं बोतल च भर के लैके आए होणे आ ना मेरे हिसाब ना, क्लास से जब पीने लग गए थे तो उस वेले इन्हों थोड़ी जी
महसूस हो जाए। पर बच्चों वालों कहा जा रहा कि जिवें कि छिपकली वगैरह जी है पानी के इस करके जरा है इन्हों बॉन्डिंग वगैरह होनी शुरू हो गई। आप ही गया हुआ प्रिंसीपल साहिबान के नाम इकट्ठे गया से उन्होंने आप ही देखा उसे जाके तो इन्हें देखा प्रिंसीपल मैडम होने से तीन चार होर बच्चे से यही दस सकते आप जाके कि टोटल बच्चे है टोटल सर इतने 12 एडमिट है इस वेले ओके मतलब ज्यादा ना नहीं है पेट से इन्होंने थोड़ा ਦਰਜੀ ਚੱਕਣ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਲੋਕਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਟੀਚਰ 10-12 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ 12-15 ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ੀਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਟਿਡ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਟਮ ਨਾ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਪੀਤਾ ਗਿਆ कोई प्रॉब्लम तो नहीं फिलहाल तो ठीक।